पता है। और जब तक ये पूरा देश एक नहीं हो सकता, तब तक हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इतना बहुमूल्य बलिदान था वो व्यर्थ जाएगा। तो ना सिर्फ सभागार में एक छोटा सा सेमिनार आयोजित करके उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करना जरूरी है, बल्कि उन जानकारियों को अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है। यूं ही नहीं लौह पुरुष थे वो। इसी भारत के एकीकरण के लिए 1991 में उनको भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कहते हैं ना, इंसान कर्म से ऊंचा होता है, तो आज उनकी कर्म इतनी प्रकाष्ठा पे पहुंची कि पूरे विश्व में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में 182 मीटर ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो ये दर्शाता है कि हमारा पूरा देश एकता के सूत्र में पिरोया गया है। लेकिन अफसोस, कहीं कहीं ये एकता नहीं देखने को मिलती है, ये सिर्फ लफ्जों में ही सिमट के रह जाती है। तो मेरा पुनः आग्रह है कि हमारा यह बोलना या किसी का भी बोलना या आपका सुनना, ये सभी तभी सफल हो पाएगा जब हम शुरुआत करें कि हम एकता से शुरुआत करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गजब।